सभी का स्वागत है अपने चैनल में। तो ये वीडियो में मैं फाइनली हूँ, मेरे पीछे देख रहे हो ये है अरंबोल बीच। ये साइड में रशियंस फॉरेनर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और मैं आप देख सकते हो यही साइड में कायाकिंग हो रहा है। कायाकिंग का ये ऑप्शंस है, सारे डिटेल में ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये अरंबोल बीच का मेन एंट्रेंस है, ये साइड में हूँ तो बने रहिए, अरंबोल बीच एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? चलिए। ओके, सो ये है अरंबोल बीच का मेन एंट्रेंस। जो मेन एंट्रेंस है मैं बिल्कुल शुरू किया हूँ, आपको पूरा बीच आपको घुमाने वाला हूँ, क्या सारे डिटेल है आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कायाकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है और ये टूरिस्ट आप देख सकते हो, इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा करके मुझे दिख रहे हैं। और जो शेक साइड में बैठे हैं ये यहाँ पे आपको फॉरेनर्स ये टाइम पे आपको दिखेंगे। टूरिस्ट का जो अपडेट आपको बताऊँ दोस्तों, आप अगर पहले का वीडियो देखोगे अरंबोल बीच का कोविड के पहले या फिर लास्ट ईयर का, ये जो प्लेस में मैं चल रहा हूँ ये एरिया में फॉरेनर्स का एक्टिविटीज़ रात के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे मार्केट लगता था, फॉरेनर्स के ज्वेलरी मार्केट बीच के ऊपर लगता था। पर अभी देख सकते हो ये सिचुएशन है, टूरिस्ट है काफ़ी पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये नॉर्थ गोवा का एक बहुत फेमस बीच है जिसके हिसाब से टूरिस्ट बहुत कम है। हालांकि यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स में आपको कायाकिंग का ही ऑप्शन है, आगे जाके मैं प्राइस आपको बता दूंगा। पर लोग आप देख सकते हो बहुत ही हल्का लोग है, बहुत हल्का लोग है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा होंगे पर बहुत कम है। मांद्रे में हमने अपने वीडियो देखा रहेगा मेरे मांद्रे बीच का, वहाँ पर ज़्यादा फॉरेनर्स थे, यहाँ पर अभी मुझे बहुत कम फॉरेनर दिख रहे हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे लाइफ गार्ड है और रेस्क्यू के लिए जेट स्की है, आप पूरा एक्टिविटी कर सकते हो। लोग यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं आप देख रहे हो बीच में, और बीच काफ़ी क्लीन है, पानी भी क्लीन है और फ्लैट है बीच, आप आराम से अंदर तक जा सकते हो, नहा सकते हो, कम रिस्क है, ठीक है? पर आपको ध्यान रखना है, आप जब एक्टिविटी कर रहे हो नहा रहे हो तो ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कायाकिंग का ऑप्शन है, ये बंदा है, जाके हम इसको पूछने वाले हैं, तो जाके इसको पूछेंगे क्या प्राइस लेते हैं यहाँ पे कायाकिंग का। यहाँ पे देख रहे हो दो लोग गए कायाक लेके, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलता है। और कौन सा वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ पे, बाकी कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल। हम पूछेंगे ये बंदे को क्या, ये देखिए ये बोट है, ठीक है? सिंगल बोट आपको मिलेगा, डबल बोट भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप कायाक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा लहरें नहीं होता है, पानी शांत है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कायाक करने के लिए। जैसे कलंगूट बागा में बड़ा लहर होता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इनसे पूछते हैं चार्जेस क्या है। हाँ, सिंगल का 500, डबल का 800। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनके पास अरंबोल बीच में ये देखिए इनका जो चार्जेस है, डबल का 800 रुपया है और आप अगर सिंगल बोट लेके जाते हो तो 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए? एक घंटे के लिए। चार पांच लोग हैं तो पैसे लेस हो सकते हैं थोड़े बहुत, और जैसे एक घंटे का टाइम है तो एक घंटे का कोई मायने नहीं रखता, एक घंटा डेढ़ घंटा हो सकता है, और उसके चार्जेस नहीं लगते। ये तो ठीक है, आप अंदर चला गया तो टाइम का तो पता नहीं चलेगा, अगर कोई डेढ़ घंटा हो गया तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे या वही चार्जेस में? वही चार्जेस, मैंने मतलब एडजस्ट करते हो। चलो थैंक यू, कोई चार्जेस उसका अलग से नहीं पड़ेगा। जैसे हमें ज़रूरत है, मेरे पास कायाक नहीं है, कोई कस्टमर खड़ा है तो मैं उनको बुला लूँगा, उनका एक घंटा हो गया तो उनको सीधी मार्च बुला लूँगा। अच्छा अच्छा, और अगर जो है मेरे पास कायाक तो उनकी मर्जी है तब। ओके ठीक है, मतलब अवेलेबल है तो कोई जल्दी नहीं, कस्टमर को आप जल्दी नहीं करते हो, एंजॉय करने का, ठीक है? और कौन सा एक्टिविटी होता है यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स और कुछ होता है? नहीं, सिर्फ कायाक ही होता है। ओके चलो थैंक यू। तो ये है अरंबोल बीच में आपको कायाक का ऑप्शन है, इन्होंने जो प्राइस बताया है, एक घंटे का टाइम देते हैं पर डिपेंड, अगर ज़्यादा कस्टमर नहीं है तो आपको एक आधा घंटा और एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, ये इनके हिसाब से है। दो लोगों का 800 रुपया है, अकेले जा रहे हो बोट से तो 500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो चल चल के मैं अभी ऑलमोस्ट अरंबोल बीच के लास्ट एरिया में आ गया हूँ। सामने आप देख रहे हो हिल टॉप एरिया, जो कॉर्नर में रॉक फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये अब जब स्वीट वाटर लेक के लिए जाओगे ये आपको रास्ते में मिलेगा, बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ पे आपको फ़ोटोशूट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस मिलता है, बहुत अच्छा नज़ारा है। बिल्कुल ये बीच के एंड में है, आपको अरंबोल लेक के लिए, अपना स्वीट वाटर लेक के लिए आपको जाने को रास्ता मिल जाता है, वहाँ से आप जाएंगे और अंदर जो रशियंस मार्केट है, जो
और जो फ्ली मार्केट है वो आपको क्रॉस करते हुए आपको स्वीट वाटर लेक के लिए जाना पड़ेगा। डिटेल में सारे वीडियोस डालूंगा, फ्ली मार्केट आपको दिखाऊंगा, स्वीट वाटर लेक का वीडियो आने वाले दिन में आएगा और सारे डिटेल्स ये वीडियो सीरीज़ में आपको शूट करके दिखाने वाला हूँ। रात का क्या ऑप्शन है, कितना फॉरेनर्स है, क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रहा है, मार्केट का क्या ऑप्शन है शॉपिंग के लिए, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे फ्ले मार्केट और जो अरंबोल का जो मार्केट है बीज मार्केट वगैरह यहाँ पे बहुत हैपनिंग होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे रहता है और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलता है शॉपिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल ये देखिए बीच का तो ये नज़ारा है, ये भाई साहब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ रात को होता था यहाँ पे। फ़िलहाल तो अभी ज़्यादा फॉरेनर रशियन वगैरह ज़्यादा नहीं है, आप सामने देख सकते हैं एक लेडी है। तो ये है अभी का स्टेटस। बाकी टेबल साइट में शेक थोड़ा जा रहा हूँ, यहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ। देखिए शेक जो है सारे ओपन है, एक सीरियल में सारे शेक आपको मिलेगा, सारे शेक ओपन है। हल्का म्यूजिक बज रहा है पर यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड क्राउड है, बहुत लिमिटेड क्राउड है। तो ये है शेक साइड का नज़ारा, आप देख सकते हो इक्का दुक्का फॉरेनर्स मुझे दिख रहे हैं और बाकी मेरे ख्याल से रहेंगे अपने शेक साइड में रहेंगे या फिर कम तो है ही, सारे इंडियन टूरिस्ट भी कम है और फॉरेनर्स या फिर रशियंस भी बहुत कम है। टेबल्स आप देख सकते हो लंच डिनर के लिए, कैंडल लाइट डिनर के लिए सारे टेबल्स है बीच ऊपर, बीच के ऊपर, पर उसके हिसाब से टूरिस्ट काफ़ी कम है, हल्का इक्का दुक्का लोग आप देख सकते हो यहाँ पे घूम रहे। तो ये है अभी का स्टेटस। और ये साइड ये यहीं पे थोड़ा आपको लोग दिख रहे हैं, जो ये मेन एंट्रेंस है ये साइड में थोड़ा लोग अपना वाटर स्पोर्ट्स कायाकिंग वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी आपको ऐसे ही पूरा देखिए टेबल एरिया वगैरह, शेक साइड का जो एरिया है काफ़ी शांत है। सो कुछ नहीं कर सकते, ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ड्रॉप हो गया है, अपना डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट भी बहुत कम है और उसके साथ अभी फॉरेनर्स में आना कम हो गया है। पहले जो आए थे गवर्नमेंट के हिसाब से जितना 3,500 के करीब जो फॉरेनर्स आए थे उसके बाद बहुत कम आ रहे अभी इस टाइम पे, नहीं तो ये बीच पे तो आपको फॉरेनर्स रशियंस वगैरह बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था देखने के लिए। पर अभी ये है आपको दिखा रहा हूँ सिचुएशन। तो ऑलमोस्ट लास्ट एरिया में पहुँचा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे है दोस्तों सर्फिंग का स्कूल, आपको अगर सर्फिंग सीखना है तो अरंबोल बीच में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। ये एंड एरिया में है, ठीक है, ये स्वीट वाटर को जाते वक्त ये एरिया में आपको मिलेगा, ये एंट्रेंस है मेन और यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप आके कांटेक्ट कर सकते हो, क्या चार्जेस होगा, बिल्कुल यहाँ पे आप सर्फिंग आप क्लास ले सकते हो, यहाँ पे होता है इनका, यहाँ पे कायाक किया जाता है और उसके ऑपोजिट ही इनका स्कूल है। और ये साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हो ये स्वीट वाटर को जाता है ये रास्ता, तो ऑलमोस्ट नज़दीक है। और ये सारे शेक आप देख सकते हो, सारे शेक ओपन है पर लोग ही नहीं दिख रहे। बाकी व्यू बहुत अच्छा है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, फ़ोटोशूट्स वगैरह करने के लिए अभी अच्छा ऑप्शन सबको मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था अरंबोल बीच, अभी करंट सिचुएशन मैंने आपको दिखाया, टूरिस्ट बहुत कम है, इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी बात करें, फॉरेनर रशियंस का भी बात करें या फिर इंडियन टूरिस्ट भी बात करें, बहुत कम है। तो ये है अभी का स्टेटस अरंबोल बीच का। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें और आप अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें, बाय बाय।